Hello students, today we will start with exercise 4.3. In this exercise we will learn how to solve the equations. In the earlier exercise 4.2, I have also told you to how to solve the equations. Like aapka equation yahan pe jo hai, that is 2y plus 5 over 2 is equal to 37 over 2. I have also told you that we have to remove these numbers. जो वेरिएबल्स के साथ नंबर हैं, यहाँ पे 2 है, दिस 5 अपॉन 2 है, वी हैव टू रिमूव दिस, एंड फॉर दिस वी शुड यूज़ द बोर्ड मैस. कि हमें बोर्ड मैस हमें किस लिए यूज़ करना है, कि हमें पहले 2 रिमूव करना है या 5 बाय 2 रिमूव करना है. तो बोर्ड मैस में हम इक्वेशंस को, जब हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हम इस डायरेक्शन से चलते हैं, बी से स्टार्ट होके एस तक चलते हैं. बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए एड एंड एस सब्ट्रैक्ट. बट हम यहाँ पे जब आपका रिमूव करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है. इसका मतलब सबसे पहले हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो नंबर हो रहे हैं वो रिमूव करने हैं. सो पहले हम प्लस 5 बाई 2 को रिमूव करेंगे, एंड हाउ वी विल रिमूव इट, कि इसको माइनस 5 बाई 2 आप बोथ साइड कर देंगे. जब आपने माइनस 5 बाई 2 बोथ साइड कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया, एंड ये आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 16, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था सेम टेबल से. तो 2y इज इक्वल टू, इस साइड आप देखते हैं 2y रह गया हमारे पास, एंड 2y इज इक्वल टू 16. नाउ 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद y. अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है, उसको डिवाइड करके रिमूव कर देना है. तो 2 को हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो 2 से जब हमने 2y अपॉन 2 16 अपॉन 2, तो जब आपने ये किया तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से कैंसिल हो गया आपका 8 आ गया, एंड y इज इक्वल टू 8. नाउ इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस. बस यहाँ पे आपने इसे माइनस 18 अपॉन 5 आया है और आपका ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड नंबर में आंसर निकाल देंगे. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि आपका प्लस 3 हो रहा है. ये नंबर आपका वेरिएबल यहाँ पे a है, a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, एंड प्लस 3 है. सो वी विल रिमूव दिस वन फर्स्ट. सो प्लस 3 है तो वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 3. तो सब्ट्रैक्ट्स बोथ साइड्स आपने 3 कर दिया, तो आपका क्या आ गया, a और 5 इज इक्वल टू माइनस 1. 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है. तो अब आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस 5 को रिमूव करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5. तो 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड a विल कम आउट टू बी माइनस 5. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस. नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू 7m प्लस 19 ओवर 2 इज इक्वल टू 13. अब आपका जो है ये 7m है, तो प्लस 19 ओवर 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 19 ओवर 2 दोनों तरफ कर देंगे. तो आपका ये कैंसिल हो गया इधर, और ये माइनस 19 ओवर 2, क्योंकि इसके नीचे 1 लेके हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी 7 ओवर 2. Now 7m is equal to 7 over 2. Now this 7 is getting multiplied with m. So we will divide both sides by 7. अब आप 7 m upon 7 कर देंगे. But how to divide it? तो इसको हमने 7 upon 2 को into 7 कर दिया. नाउ अब आप ये मत सोचना कि ये 7 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बट क्योंकि हमने इसे डिनोमिनेटर में लिया है, तो दिस इज डिवाइडिंग दिस नंबर. तो जैसे आपका 7 जो है पहले 2 से डिवाइड हो रहा था, बट आपका 7 जो है 2 इंटू 7 14 से डिवाइड हो रहा है. अगर आपको ये नहीं समझ आता है, यू कैन डू लाइक दिस, कि आप ये 7 अपॉन 2 था, आपने इस साइड भी 7 से डिवाइड करना था, बिकॉज आपने इस साइड भी 7 से डिवाइड किया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. और इसके बाद हम स्टेप क्या करते हैं, 7 अपॉन 2 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अपॉन है इसके डिनोमिनेटर में, और इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है. तो अब आपका ये क्या आ गया, 7 इंटू 1 यानी 7, और 2 इंटू 7 14. तो सेम इज़ द थिंग हेयर आई हैव डन, कि 7 अपॉन 2 इंटू 14.
तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती है कि ये 7 नीचे कैसे आ रहा है और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो यू कैन डू लाइक दिस। तो अब आपका ये करने से 7 आपका यहाँ पे 7 से कैंसिल हो रहा है, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये सेम टेबल से जा रहा है, 7 1 7, 7 2 14, अगेन 1/2 आपका जो है आंसर आ गया। एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो सेम प्रॉब्लम इज फेस्ड कि आपने पहले इसे 5/2 था, तो 5/2 से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड कर दिया, तो आपका इधर 5x रह गया एंड इधर 25/2 आ गया। अगेन अब आपने 5 से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो आप 5x/5 कर देंगे, और 25/2 है तो इंटू 5 कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में इंटू करने का मतलब क्या होता है, आप उससे नंबर से डिवाइड ही कर रहे हो। अगर आपको अगेन ये मेथड नहीं समझ आता है, यू कैन डू लाइक दिस मेथड ऑल्सो। तो आपका ये x इज इक्वल टू 2 1/2 आ गया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेम है एग्जैक्टली, ये भी आपका बिल्कुल सेम है, -5 हो रहा है, तो आप +5 दोनों तरफ करके आपका ये 5 कैंसिल कर दिया, तो ये 2b/3 रह गया इज इक्वल टू 8। अब आप इस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 कैंसिल हो गया और इधर आपका 24 बन गया। अब आप क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड कर देंगे, तो आपका ये b=12 आ जाएगा। नो अब आप इसमें देख रहे हैं 3 स्टेप्स में हमारे पास काम हुआ है, क्योंकि वी हैव 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3, जितने नंबर होंगे उतने ही हमारे स्टेप्स आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, पहले हमने इस -5 को रिमूव किया +5 दोनों तरफ करके, उसके बाद हमने इस 3 को रिमूव किया मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड करके, उसके बाद हमने डिवाइड बाय 2 बोथ साइड करके इस 2 को रिमूव किया। नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत इजी है आपका, इसमें आपके पास क्या है कि 2 विद इन द ब्रैकेट वी हैव अ बाइनोमियल x+4=12। अब आप इस बाइनोमियल को जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप सिंपल एक नंबर मान के चले कि 2 मल्टीप्लाई समथिंग है। तो जब आपका कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको ख़त्म कैसे करते हैं, डिवाइड बाय द सेम नंबर, बाय डिवाइडिंग सेम नंबर। तो आप क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस 2 विल गेट कैंसल विद 2 एंड 2 यहाँ पे कैंसिल होकर आपका 6 आ गया। नाउ ये x+4 जो ब्रैकेट में था, जैसे हम बार बार समथिंग कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये x+4=6 रह गया। नाउ आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, आप बहुत देर से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। x+4=6, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय -4, +4 है तो आप -4 दोनों तरफ कर देंगे, तो x=2 आ गया। एंड अदर क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली लाइक दिस, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह के हैं कि अगर आपका यहाँ पे -4 हो रहा है, -4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस, टेक इट एज वन थिंग कि आप इसे एक ही चीज़ मान के चलें, ये ब्रैकेट में जो कुछ भी है, तो आप इसे -4 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। -4 से आपने किया तो ये -4 से -4 कैंसिल हो गया, -4 से इधर डिवाइड किया तो ये 2 से कैंसिल हो गया। अब आपका 4 2 8 आया, ये माइनस हम ऊपर कैरी कर लेंगे, तो ये -2 बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी माइनस होता है, तो हम न्यूमिरेटर में ही उसे ले जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। न्यूमिरेटर है में है तो ठीक है, अदरवाइज डिनोमिनेटर वाला भी हम न्यूमिरेटर में ही लेके जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए अपने फ्रैक्शन को। तो 2+x=-2, तो अब आपका ये जो है इस ये 2 के साथ हमारा क्या साइन है, प्लस है, बिकॉज ये साइन n के साथ है, तो आपका +2 है, तो हम -2 बोथ साइड कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो 2 - 2 अगेन कैंसिल हो गया या 0 हो जाता है, तो x=-2 - 2 मीन्स -4, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में ही आंसर आते हैं एंड दे विल गेट एडिड। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दिस। नाउ सम मोर क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आपका पहले की तरह ही है, बट जस्ट डिफरेंस ये है कि आपकी ये साइड जो है अब इस साइड दी है, बट दैट डजंट चेंज, कैन चेंज आवर क्वेश्चन, सेम मेथड रहेगा डिवाइड। अब आपका ये जो है दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 5,
तो हम 5 दोनों से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आपका ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4/5 आ गया इज इक्वल टू पी माइनस 2। तो अब हम अपना साइड चेंज कर सकते हैं, पी माइनस 2 मैंने इधर लिख दिया है, 4/5 इधर लिख दिया है। अगर आपका x इज इक्वल टू 2 है या 2 इज इक्वल टू x है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। आप लेफ़्ट को राइट या राइट को लेफ़्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड होता है, और ये तराजू के दो पलड़ों की तरह होता है। तो तराजू के अगर आप दो पलड़े चेंज कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस पूरी चीज़ को इस साइड और इस पूरी चीज़ को इस साइड भी लिख सकते हैं। सेम आई हैव डन हेयर कि पी माइनस 2 में जो इधर था वो इधर साइड ले आई हूँ और 4/5 इधर। और अगर आप नहीं ले जाना चाहें तो सेम साइड भी रख सकते हैं। तो अब आपका माइनस 2 था तो आपने प्लस 2 दोनों तरफ कर लिया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड 4/5 प्लस 2। अगेन आपका एलसीएम लेके आप इसे प्लस करेंगे तो पी विल कम आउट टू बी 14/5। अब आप इसको मिक्स नंबर में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, 5 × 2 = 10, 4/5। नाउ इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली लाइक दिस है कि आपने उसी प्रोसेस से, उसी प्रोसीजर से आपने मूव करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि आपका 16 इज इक्वल टू 4+3t-2। अब अगेन हम बोर्ड मैथ्स के रूल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट ये है आपकी, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ओ ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, एम मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है। एम मल्टीप्लाई है क्योंकि 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। तो अगेन हम जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है हम पहले उसे रिमूव करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपको इसके अकॉर्डिंगली आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना है। तो इसका मतलब आपकी ब्रैकेट सबसे एंड में सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले हम इस नंबर को रिमूव करेंगे, तो इस नंबर को रिमूव करने के लिए इसके आगे आपका क्या साइन है, प्लस है। अगर किसी नंबर के साइन आगे साइन नहीं होता है तो प्लस 4 है, तो हम दोनों तरफ माइनस 4 कर देंगे। आपने 16 के साथ भी माइनस 4 कर दिया एंड इसके साथ भी आपने माइनस 4 कर दिया, तो ये माइनस 4 जो है ये माइनस 4 से कट गया। ये आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये जो है ये आपका एक ही नंबर है, 4 प्लस समथिंग है, तो 4 प्लस समथिंग है, तो ये आपका 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका ये चीज़ बच गया। अब आपका, अब आपका ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि 3 आपका इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी अगेन आप फिर से एक चीज़ समझिए, टेक इट एज अ सिंगल कि अब आपका जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसे रिमूव करेंगे हम, तो 3 कैसे रिमूव होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो जब हम 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 4 एंड ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या रह गया इधर 2 - 2t - 2, और इस साइड एक साइड आपका क्या रह गया 4 रह गया। अगेन ये सिंपल है कि माइनस 2 आप कैसे रिमूव करोगे, प्लस 2 दोनों साइड करके, तो t विल कम आउट टू बी 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और इसमें मैं आपको फिर से कह रही हूँ बेटा, हमेशा ध्यान रखिए कि बोर्ड मैथ्स आपको ज़रूर याद रखना है कि आपने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को मूव करना है, कि कौन सा नंबर आपको पहले ख़त्म करना है, रिमूव करना है। अदरवाइज़ कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3 से सीधा डिवाइड कर देते हैं या माइनस 2 है तो प्लस 2 बोथ साइड कर देते हैं, और इससे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही गलत हो जाता है आपका। तो आप बोर्ड मैथ्स के रूल पे ध्यान दीजिए और स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर को रिमूव कीजिए, और कौन सा नंबर पहले रिमूव करना है वो हमें इस रूल से पता लग जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के जैसा है कि आपका क्या है, 4+5p-1 = 34। आपका अगेन आपका ये जो है इस चीज़ को आप बिल्कुल एक चीज़ ले लिए, ब्रैकेट के साथ आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस चीज़ को आप एक, तो 4 जो है इसके साथ प्लस हो रहा है, तो अब इसके आगे का साइन हमने देखना है कि क्या है, तो प्लस 4 है तो हम माइनस 4 बोथ साइड कर देंगे, तो माइनस 4 होने से आपका ये 4 जो है -4 0 बन जाता है, या हम इसे कैंसिल भी कर देते हैं ऐसे कट करके, तो 34 - 4 = 30।
अब आपका ये 5p-1 बच गया। अगेन 5 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका कोई साइन नहीं है तो मींस मल्टीप्लाई है, तो 5 से डिवाइड हम दोनों साइड कर देंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 5 6 30 आ गया यहाँ पे। अब माइनस 1 है तो ऐड 1 बोथ साइड करेंगे और आपका p=7 आ गया इस तरह। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली दिस कि आपने फिर से ये है कि ये नंबर को अगेन एक ही समझना है। बोर्ड मैथ्स में आपका बी ब्रैकेट सबसे लास्ट में सोल्व होती है, मल्टीप्लाई भी और प्लस या माइनस जो हो रहा है वो पहले सॉल्व होएगा। तो प्लस 16 है, अब माइनस 16 दोनों तरफ कर देंगे, माइनस 16 हमने जीरो के साथ ही लिख दिया, ये हम यहाँ एंड में ही लिखेंगे, तो 16 से आपका ये 16 कैंसिल हो गया। तो अब आपकी ये चीज़ बची, तो अगेन 4 आपका से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डिवाइड करके इसे कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो -4=m-6। अगेन आप +6 दोनों तरफ करेंगे देन m विल कम आउट टू बी 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट वन, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x=2। नाउ अब आपको फाइनल सॉल्यूशन जो दिया हुआ है x=2, जस्ट लाइक आपका ये है, तो हम जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो इस अब हमें यहाँ से ऐसे मूव करना है। तो अब हम कैसे करेंगे कि आप ये इसमें आपकी चॉइस है एंड योर आंसर्स कैन वेरी विद माई आंसर्स ऑल्सो बिकॉज यू कैन यूज़ एनी नंबर, लाइक आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 3, यू कैन मल्टीप्लाई विद 2, 3, 7, 8, -2 विद एनी नंबर। तो अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 3 × x मतलब 3x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3, तो दिस विल कम आउट टू बी 3x=6। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, हमने इस तरह की इक्वेशंस बहुत सॉल्व की हैं। नाउ इसी इक्वेशन में अब आप क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। आई हैव एडिड 5 टू बोथ साइड्स, तो आप 3x+5 लिख दिया है एंड 6 + 5 आपका 11 हो गया है एंड 3x+5 ये ऐसे ही रहेगा बिकॉज ये वेरिएबल वाला नंबर है एंड ये सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर है और दोनों आपस में कभी प्लस नहीं हो सकते। तो अब हम इसे कुछ भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड किया तो ये भी आपका पूरा डिवाइड हो गया और ये भी आपका पूरा 11/2 आ गया। एंड अदर क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक द सेम कि इसमें आपको x=2 की जगह x=-2 दिया है, तो आप किसी से भी ऐड देन आई हैव मल्टीप्लाई देन आई हैव सब्ट्रैक्टेड, आप किसी भी उससे मूव कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या पहले डिवाइड कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू, दिस इज योर चॉइस। आप डिफरेंट इक्वेशंस उससे बन जाएंगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।